प्रोग्राम आरोहण। सबसे पहले आप सबों को 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आरोहण एक करंट अफेयर्स पर आधारित वीकली प्रोग्राम है जिसको मेरे ही गाइडेंस में चाणक्य एस अकेडमी के टीम ने डेवलप किया है आप सबके लिए जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। आमतौर पर ये क्वेश्चन आता रहता है आप सबके बीच में, मुझे भी लगातार अपने सेमिनार, वेबिनार और क्लासरूम में सुनने को मिलता रहा है कि किस अखबार को पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस अखबार को किस तरह से पढ़ें, क्या उसमें इम्पॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि एक बहुत सारे ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स पर डिजिटल मीडिया में एंड ऑल्सो प्रिंट मीडिया में अवेलेबल है। ऐसी हालत में आपकी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर पिछले वीक में जो इम्पॉर्टेंट घटनाएं और उनसे रिलेटेड जो मुद्दे खड़े हुए हैं उन पे विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें आपको ओपिनियन डेवलप करना चाहिए, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको किस तरह के अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन को, इनको ध्यान में रखते हुए एक डिस्कशन किया जाएगा जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ शामिल होंगे जो चाणक्य एकेडमी के फैकल्टी तथा कुछ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जो IAS IPS और तमाम अलग सर्विसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन करके आपके बीच पहुंचाने की इसको कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज इस प्रोग्राम की शुरुआत 74th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पर लाल किला से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन बिंदुओं पर जोर दिया अपने स्पीच में, उनके स्पीच के कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उससे रिलेटेड इंडिया के फ्यूचर से रिलेटेड क्या बातें की गई हैं, इसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। आज इस प्रोग्राम में इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर मानवेंद्र सिंह जो चाणक्य एस अकेडमी में GS इकोनॉमी तथा करंट अफेयर्स के फैकल्टी भी हैं। मानवेंद्र, आज की चर्चा भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने स्पीच में लाल किला से जो दिया है उसमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु पर प्रकाश डाला, उन्होंने रीएम्फसाइज किया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो कोरोना वायरस के वॉरियर्स हैं उनको सल्यूट किया और साथ ही साथ उनको एक्नॉलेज करने के लिए सेवा परमो धर्म की चर्चा की है कि सेवा ही परम धर्म है, जिसके इंडियन फिलॉसफी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है सेवा को, और उसके माध्यम से उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया। सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये टर्म जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो आने वाले समय में ऐसे या एथिक्स में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आप इसमें बताइए कि आपकी क्या राय है, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं। सर, अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन की, तो सर दो तरीके होते हैं। पहला, या तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि एग्जैक्टली इसी लाइन पे क्वेश्चन आ जाए UPSC में और मैं क्वेश्चन कर लूं। सर, दूसरा तरीका ये होता है कि मेरे में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इस लॉजिक को UPSC के इस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन में कहीं भी अप्लाई कर दूं। करेक्ट। जैसे सर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो पेपर 2 सर गवर्नेंस का है, एंड गवर्नेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी को कैसे मैनेज करना है इसकी एक फिलॉसफी होनी चाहिए सर। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फिलॉसफी सर्विस ओरिएंटेड नहीं होगी तो कभी भी जो सबका साथ सबका विकास का स्लोगन है मोदी जी का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे भी एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, वेलफेयर स्टेट। एग्जैक्टली, डेमोक्रेटिक सिस्टम टॉक्स अबाउट द वेलफेयर स्टेट, सबका विकास सबका साथ। इसी तरीके से सर एथिक्स का जो पेपर 4 है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जैसे सर्विस ओरिएंटेड डायरेक्टली UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है सर इन पे, या फिर कंपैशन, एम्पैथी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस एक्टिविज्म। तो सर इन सारे में ही हम सेवा परमो धर्म की फिलॉसफी को अप्लाई कर सकते हैं। सर भगवत गीता से ली गई है ये, और ये बोलती है कि सर्विस ही सबसे बड़ा रिलीजन है, मतलब ड्यूटी है। हाँ, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, इसका ऐसे भी भारतीय जो दर्शन है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इसके रिलेटेड जो मुझे दिखाई देता है कि खास करके ऐसे में भी क्वेश्चन बन सकता है, या एथिक्स के रिलेटेड कुछ चीज़ों को इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज पायरेंट्स को इस टर्म पर आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए। सर इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ सर, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी होती है जिसमें मेंशनड है कि यू विल कम टू द सर्विस ऑफ द नेशन। जब भी आपको देश सर्विस के लिए बुलाएगा आप सर्विस करेंगे आकर। राइट।
तो आपके लिए देश की सबसे इंपॉर्टेंट ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कंट्री में, आई थिंक सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी है सर ये, एज अ फंडामेंटल ड्यूटी भी यूज कर सकते हैं। खास करके जो सेवा परमो धर्म की जो बात है इसमें तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये पर्टिकुलर ये जो टर्म है वो इंडियन फिलॉसफी की जो स्पिरिट है जिसमें जो इम्पोर्टेंस दिया गया उसके ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो लोग आज हैं, जितने भी लोग हमारे क्लीनिंग में लगे हुए हैं, स्वीपिंग में हैं, स्वीपर्स हैं, या जितने भी कह लीजिए मेडिकल टीम है, निस्वार्थ भाव से अपने जान को जोखिम दे करके आप लगातार लगे हुए हैं, तो ये जो भावना है उसी चीज़ को प्रेरित करता है जिसके कारण से ये सारे सर्विसेज में जो वॉरियर्स लगे हैं हमारे वो बहुत ही सराहनीय है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट किया है जिसको कहते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे इसको डिजिटलाइज करना है और इस मिशन को खास करके जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग जो इन्फेक्टेड हो गए, 25 लाख से ज़्यादा लोग, हज़ारों लोगों की जान जाने जा चुकी है कोरोना वायरस के कारण से, तो इन चीज़ों को एक डिजिटल मिशन के रूप में ले रहे हैं हेल्थ में, तो ये मिशन क्या है थोड़ा ब्रीफ में बताइए। सर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कैरीज हाईएस्ट बर्डन ऑफ डिजीज, मतलब आप right. कोई भी प्रोमिनेंट डिजीज लीजिए सबसे ज्यादा मरने वाले और सबसे ज्यादा पीड़ित इंडियंस ही हैं। और इंडिया में सर ये देखा जाता है कि जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होती है उसका मोर देन 67% कॉमन आदमी की पॉकेट से जाता है सर। अब सर इशू यहाँ पे ये है कि आप सर्विस तो प्रोवाइड करना चाहते हैं, कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो सर इकोनॉमिक सर्वे ने एक बात करी थी कि डाटा एज अ पब्लिक गुड, मतलब ये है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो पहले प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करिए, पहले प्रॉब्लम समझिए आप। सर प्रॉब्लम को समझने का मतलब होता है पैटर्न समझना, राइट? अब सर पैटर्न कैसे समझें? इशू यहाँ पे यही है कि जैसे मान लो इंडिया की 138 करोड़ पॉपुलेशन है, इनको हेल्थ के वेरियस इशूज हैं सर, ऑल्दो ये अलग बात है कि सर 15% जो डिजीजेस हैं वो अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन से हो रही हैं सर, से ज्यादा बाकी एयर पॉल्यूशन सर, वाटर पॉल्यूशन 10% जो डिजीजेस हैं वो वाटर एयर पॉल्यूशन से हो रही है। बेसिकली हमारे सिस्टम इंडिया के अंदर में हेल्थ के इम्पोर्टेंस को एक सीरियसली लिया नहीं गया, जबकि जितना भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है डिपेंड करता है कितना हम हेल्दी हैं, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, काम करें, जितने भी अस्पतालों की हालत भी खराब है, सुविधाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि प्रॉपरली कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये डिजिटल हेल्थ मिशन जो है जिसमें डिजिटल हेल्थ कार्ड की भी चर्चा की गई है जो एक प्रॉपरली हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने में काफ़ी उपयोगी होगा, और इसमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट और इस प्रकार के डॉक्टर कंसल्टेंसी की बात की गई है जो मुझे लगता है कि काफ़ी रिवोल्यूशनाइज कर देगा सिस्टम को, कि लोग जो हैं बिना हॉस्पिटल के चक्कर काटे हुए लाइन लगाए हुए छोटे छोटे डिजीज़ के लिए भी काफ़ी से तरह के जो सफरिंग है उससे बच पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी पहल होने जा रही है। जी सर, और वही है कि आपको कौन सी डिजीज हुई, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, किस डॉक्टर के पास गए, आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो आपके डिजिटल हेल्थ कार्ड में होगा, और ये सर डाटा बेस्ड प्लानिंग में हेल्प करेगा हमको, इवन आयुष्मान भारत को स्ट्रेंथन करेगा सर, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रधानमंत्री जी ने जो जोर दिया है वो जोर दिया है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी, और रीएम्फेसाइज किया उसको, उन्होंने कहा कि भाई कोरोना वायरस की जो समस्या है, ये महामारी की जो समस्या है, ये हमारे रास्ते का बाधक तो हो सकता है लेकिन जो हमारे इरादे हैं आत्मनिर्भर भारत का उस पर रुकावट नहीं बन सकता, इसको हम प्राप्त करेंगे, ये संकल्प को उन्होंने दोबारा से इसको दोहराया है। और इस मामले में जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो रिलेटेड टू इन्होंने मेक इन इंडिया की चर्चा की एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि प्री ब्रिटिश इंडिया में सारी चर्चा मेड इन इंडिया की होती थी, बल्कि सारे विदेश में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अरबियन कंट्रीज़ में तमाम चीज़ें इस बात से बिकती थी कि मेड इन इंडिया, दैट वाज अ कल्चर, लोग जो हैं वो व्यापारी खास करके इवन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम जितनी कंपनियाँ इंडिया में आई थी सारे व्यापार के माध्यम से आई थी और व्यापार के लिए ही आई थी, जिन्होंने इंडिया को जो है बिलियंस दिए, सिल्वर एंड गोल्ड दिए और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट लेकर के पैसे बनाए। ये बात की बात है कि जब ब्रिटिश इंडिया में जब उनका डोमिनेशन शुरू हुआ तो यहाँ के सारे रोजगार, हथकरघा और यहाँ की जो बेसिक हुनर है उनको दबा दिया गया। तो आज इस बारे में जो एक कोशिश है हमारे प्रधानमंत्री की और आज की सरकार की,
कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जाए और जिसमें लोकल को वोकल और वोकल से ग्लोबल की ओर जाएं और ऐसा हम करें ताकि हमारे जो हुनर हैं फिर से तराशे जाएं, स्किल डेवलपमेंट्स पे जोर दिया जाए और हम जिसके कारण से 20 लाख करोड़ रुपए की बात की गई आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी जो लगाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी पहल है जिसकी चर्चा फिर से दोबारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए बताया। इसके साथ ही साथ मनमिंद्र हम एक चर्चा और करेंगे, वो है चर्चा LOC की, LOC टू LAC की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसमें टेररिज्म के अगेंस्ट और साथ साथ इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट एक जोरदार उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम इसका सामना करेंगे और इसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी भी हालत तक इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, जैसा कि मैंने आप स्टार्टिंग में बोला था कि हमने सर अहिंसा को प्रमोट किया था, हमारी पूरी फ्रीडम स्ट्रगल अहिंसा और सत्याग्रह पर ही चली थी सर। राइट। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद सर हमने चाइना के साथ जो हमारी पॉलिसी थी वो पंचशील की थी सर। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी भी रही है सर वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की रही है, गुटनिरपेक्षता जिसको बोलते हैं सर। हम कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। राइट। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल फिलॉसफी है सर हमारी। लेकिन सर जो LOC की बात करें, ये LOC वही एरिया है सर जिसमें हमारा और पाकिस्तान का इशू चल रहा है, टेरिटोरियल बाउंड्री का इशू चल रहा है सर, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। और LAC बनता है सर हमारा चाइना के साथ में, जो अक्साई चीन वाली एरिया से निकलता है। अब इशू ये है कि सर हम जो है अपनी फिलॉसफी को स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रेंट बोलते हैं, मतलब ये है कि हम छोटी मोटी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम ब्रॉड तरीके से यूनाइटेड नेशंस का यूज करके हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को या फिर म्यूचुअली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन सर जो चाइना की फिलॉसफी हमारे अगेंस्ट जो लेकर रही है, पाकिस्तान पे तो मैं बाद में आऊंगा सर, जो चाइना की फिलॉसफी हमको लेकर रही है वो ये रहती है सर इकोनॉमिक इंगेजमेंट, इकोनॉमिकली तो इंगेज रहो, राइट सर, लेकिन टेरिटोरियली हमको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। तो सर ये जो है, अब बात वही है जैसे हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ऑन वन हैंड यू आर सेंडिंग योर टेररिस्ट इन आवर कंट्री, ऑन अनदर हैंड तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे बातचीत करें, हम तुमसे इंडस का वाटर शेयर करें। सो इंडिया ने सर, देखिए इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, पंचशील का रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन सर हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। राइट। सो अगर तुम हमको, अगर तुम हमारी एरिया में एंटर करोगे तो हम तुम्हारी ही लैंग्वेज तुमको ये समझाएंगे। यही बात जो इम्पोर्टेंट है कि यही कहा कि जब जब जरूरत पड़ी है तो हमारे सोल्जर्स ने ब्रेवली उसी भाषा में उनको रिप्लाई किया है, रिस्पॉन्ड किया जिस भाषा में हमारे जो है लेबरर्स जो है हमारे साथ पेश आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाउंड्री से जो कि बात हमारे लेबरर्स की बात है जिससे दिल मिलता हो वही हमारे पड़ोसी है। और इस मामले में ये एक बड़ा सराहनीय और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जिसको प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है और कहा है कि पास्ट में भी जब फ्रीडम स्ट्रगल की बारी आई तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो आवाज़ हिंदुस्तान ने उठाया, स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिला, उसने पूरे इंपीरियलिज्म को हिला कर रख दिया, सैटर्ड कर दिया और इसके बाद ही पूरे वर्ल्ड में जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल आके जैसा फैल गया। उसी बात को लेकर के आज जो चाइना की इंपीरियलिज्म के ख्वाब है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की बात हो चाहे पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म की बात हो, इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है कि टेररिज्म के खिलाफ भी और इंपीरियलिज्म के खिलाफ भी हम वही भाषा में जवाब देने को तैयार हैं जिस भाषा में हमारे पड़ोसी देश जो हैं चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉट ओनली ऑफ पीस, यहाँ अपनी ताकत के लिए और अपने उसी मुकाबले के सामना करने की बात भी यहाँ की गई है। आफ्टर ऑल हम यदि टेरिटोरियली हमारा बाउंड्री वर्क सुरक्षित है तभी हम अमन चैन के साथ हो सकते हैं। और आज पूरे वर्ल्ड को एक पीस की ज़रूरत है और यहाँ महामारी के समय में जहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी मानवता के लिए कोशिश की कर रही है, इस तरह के इंपेरियलिज्म और टेररिज्म को कभी भी सराहा नहीं जा सकता और हिंदुस्तान इस मामले में हमेशा इस तरह के फाइट में आगे रहा है। नाउ लेट अस टेक सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द लास्ट वीक विच कुड बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट अनाउंस्ड पंपिंग ऑफ 40,000 करोड़ इन मनरेगा एज अ पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ सब आत्मनिर्भर पैकेज to generate 300 crores persons days work this financial year. Government has launched a new education policy to connect children with their roots while remaining global. And the third important news is
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत मिशन. दीज न्यूज कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल मटेरियल हैज बीन पोस्टेड इन chanakyaacademy.com फॉर योर रेडी रेफरेंस. अब आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, और इस मैटर पर डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर ललित पवार, IAS 1979 बैच. डॉक्टर ललित पवार इज फॉरवर्ड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक्स चेयरमैन ऑफ RPSC. इसके साथ साथ हमारे साथ हैं मिस्टर मनविंद्र सिंह, जो चाणक्यस अकेडमी के GS इकोनॉमी और करेंट अफेयर्स के फैकल्टी भी हैं. डॉक्टर ललित पवार, आपको इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. मनविंद्र, आपको भी इस प्रोग्राम में स्वागत है. आप दोनों से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे. सबसे पहले मानवेंद्र, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब और किन परिस्थितियों में लाया गया, वो परिस्थितियाँ क्या था जिसमें लाया गया, और वो सिचुएशंस क्या आगे इमर्ज होते रहते हैं जिसके कारण से पॉलिटिकल क्राइसिस का मामला स्टेट में बनता है, आप उस पर जरा प्रकाश डालें. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सर, अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करें तो बेसिकली इसका रोल बस इतना ही है कि हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल सेटिंग है, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. इम्पोर्टेंस इस तरीके से है जैसे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक के फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही लेजिस्लेटर्स को बनाते भी हैं. राइट. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज मेजोरिटी में आती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, वही एक तरीके से लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. और एक तरीके से पब्लिक का ओपिनियन भी सर यही है कि उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन कई बार वो अपने पब्लिक पर पर्सनल गेन के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टीज शिफ्ट करते रहते हैं, जिसको हम डिफेक्शन कहते हैं. राइट राइट. और सर, ये इशू इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1967 में आया राम गया राम कल्चर आ गई थी. इसका मतलब है कि जो बेसिक चीजें हाईलाइट हुई वो 1967 में हुई. सर एक्चुअली 1960s से ही देखा जाए, जैसे 1960s की जो अर्लिंग थी, तभी से मनी और मसल पावर बढ़ गया था सर. मनी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इसका सब पहला इम्पैक्ट जो था वो आया राम गया राम कल्चर में देखा गया था. कि जो गया लाल जी थे, जो एक ही दिन में उन्होंने 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी. कहाँ के एमएलए थे वो वहां से? सर ये हरियाणा के एमएलए थे, और ये हॉर्स ट्रेडिंग में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर डाली. तीन तीन पार्टी एक दिन के अंदर. यस सर. तो सर वहां से ये इशू स्टार्ट हुआ था. ये लगा कि हाँ, मनी एंड मसल पावर का जो इफेक्ट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे दिखाई पड़ रहा है, तो इसी को कंट्रोल करने की बात की जाने लगी सर तब से. ठीक है. तो ये उन्हीं परिस्थितियों में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया. एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में समझाइए. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो लेजिस्लेचर्स में होती हैं, उनके जो डायरेक्शंस होते हैं अपने मेंबर्स को, वो डायरेक्शंस ये इंश्योर करते हैं कि पार्टी ठीक से चले, और उन्हीं डायरेक्शंस को हम लोग विप बोलते हैं, WHIP विप. राइट. तो जब भी कोई भी लेजिस्लेचर अगर पार्टी का डायरेक्शन नहीं मानता है तो उसको डिफेक्शन बोला जाता है. एक इन लास्ट डेफिनेशन ली गई है जिसको वो डिफेक्शन बोला जाता है. उसकी जो मेंबरशिप है, जो स्पीकर होता है, उसकी मेंबरशिप अगर वो पार्टी का ऑर्डर्स नहीं मानता है, डायरेक्शंस नहीं मानता है, तो स्पीकर उसकी मेंबरशिप खत्म कर देता है. इसी को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ. सो स्पीकर इज ओवरऑल पावरफुल हियर. तो अभी हमारे भारतीय संविधान में इसके चर्चा कहाँ रखी गई है, किस जगह पे प्रावधान क्रिएट किया गया और किस अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ? सर ये 10th शेड्यूल है. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1985 में. राइट. अब सर 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था. इसी 10th शेड्यूल में हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं सर. अच्छा, तो इसमें जो भी लेटेस्ट स्थिति जो है, कितनी मेजोरिटी के साथ यदि लोग पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं या कोई चेंज लाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो क्या मेजोरिटी के साथ जो लेटेस्ट प्रावधान है वो क्या है कि लोग छोड़ सकते हैं पार्टी को? सर इसमें ऐसा है कि अगर 2/3 मेंबर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस के अगेंस्ट जाते हैं या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाके मर्ज कर जाते हैं, तो जो 2/3 हैं, ना ही वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, ना ही जो बचे 1/3 है वो माने जाएंगे. आगे हम डॉक्टर पवार से जानना चाहेंगे, सर ये बताइए कि आखिर ये जो प्रावधान या एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें वो क्या लूपहोल्स जो हैं रह गए हैं जिसके कारण से बार बार इस फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में,
ये पॉलिटिकल क्राइसिस का मामला आ जाता है और सेंटर और स्टेट के बीच में एक कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन या संघर्ष का मामला बन जाता है, वो लूपहोल्स क्या हैं? शुक्रिया मिश्रा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी चाणक्य की टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आपने आरोहण के नाम से करंट अफेयर्स पे एक प्रोग्राम शुरू किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चाणक्य के स्टूडेंट्स और जो आईएएस और एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम साबित होगा। थैंक यू सर। हैविंग सेड दैट, अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पे। जैसा कि मानविंदर जी ने बताया और आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया कि एंटी डिफेक्शन लॉ बन तो गया 1985। गयालाल जी, जैसे आपने पूछा था कहाँ से थे, तो वो हरियाणा में पटौदी के एमएलए थे। अच्छा। जहाँ से हमारे नवाब पटौदी होते थे, तो पटौदी से वो एमएलए थे और उनका हृदय परिवर्तन एक ही दिन में 3 बार हुआ। वो डॉक्टर त्रिहान को भी मात कर सकते हैं वो ट्रांसप्लांट में कि आप देखिए। अच्छा। एक ही दिन में 3 बार उन्होंने जो पार्टी बदली, तो वहीं से वो एक फ्रेज पॉइंट हुआ, आयाराम और गयाराम। अब इसमें अगर अपन संवैधानिक स्थिति देखें, ये जो हमारे विधायक महोदय थे पटौदी से थे गयालाल जी, जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार दल परिवर्तन और विद इन ब्रैकेट कह सकते हैं हृदय परिवर्तन किया, तो इसी से ये पब्लिक, आम पब्लिक में ये एक मुहावरा बन गया, आया राम और गया राम। अब अगर इसके संवैधानिक स्थिति अपन देखें मिस्टर साहब, तो स्थिति आती है कि आर्टिकल 192 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स फुल पावर टू गवर्नर टू डिसक्वालीफाई एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एनालोगस पावर्स आर एंजॉयड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट व्हेन इट कम्स टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट, पावर्स एनालोगस है। जब एमपी की बात करेंगे तो वो पावर ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के पास होंगे, और जब एमएलए की बात करेंगे तो ये पावर गवर्नर साहब के पास, गवर्नर के पास। अब आयाराम गयाराम फिनोमेना जब हुआ, वो संविधान में 52nd अमेंडमेंट के मार्फत शेड्यूल 10 को जोड़ा गया। शेड्यूल 10 में ही ये एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको अपन कहते हैं वो उसको पूरा डील करता है, और इसमें जो डिस्क्वालीफाई करने के अधिकार हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए। राइट, ये एब्सोल्यूट पावर है। मतलब इसमें जब तक स्पीकर डिसाइड नहीं कर दे तब तक वो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता, कोई निर्णय तो ले। राइट, अब ये ग्रे एरिया नंबर 1, एक तरह से कॉन्करेंट पावर हो गए। 192 गवर्नर कैन डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑन रिसीविंग ऑफ ए पिटिशन बाय एनी अदर मेंबर। ओके, राइट। और इसी तरह से 10th शेड्यूल ये कहता है कि स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई। राइट, तो दोनों के पास पावर आ गए एक तरह से। तो एक तो ये हो गया ग्रे एरिया, और अक्सर मैं कहता हूँ अगर ग्रे एरिया आप छोड़ेंगे तो वो कब ग्रे एरिया बन जाए, जैसा कि हमने कई स्टेट्स में जो क्राइसिस आई उसमें ही देखा, ये एक इसमें कंफ्यूजन है और ग्रे एरिया से। दूसरा ग्रे एरिया ये है कि जब ये शेड्यूल 10 संविधान में डाला गया, तब ये उम्मीद की गई थी, ये प्रस्तावना की गई थी कि स्पीकर महोदय अपने अपने राज्यों में जो पैरा एच है उसमें एम्पावर किया गया था स्पीकर महोदय को कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर और उसके रूल्स फ्रेम करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी राज्य के माननीय स्पीकर महोदय ने रूल्स ना तो फ्रेम किए हैं ना वो प्रोसीजर सेट किया। ग्रे एरिया थोड़े से और ज्यादा ग्रे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कि इसमें कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है। अच्छा, वो भी ओपन एंडेड है बिल्कुल। जी हां, तो एज ए रिजल्ट अगर स्पीकर के डिस्क्रिप्शन है तो वो 4 घंटे में फैसला दे सकते हैं, और 4 महीने में नहीं दे और 4 साल नहीं दे। आपको तीनों तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। तो एक तो ये इसका जिसको मैं कहूंगा कि ये अपने आप में कुछ ऐसी मान्यता, और इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पे अपनी एक फाइंडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार है। तो वो उसका इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो ये तय हो जाएगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन एनी इंस्टीट्यूट कैन नॉट सुपरसीड द प्रीवियस आर्टिकल्स। तो यहाँ 192 आर्टिकल है वो पहले से ही है, शेड्यूल 10 अपन ने बाद में डाला है, वो ये फाइन ट्यूनिंग अपने को करनी होगी, हमारे देश को करनी होगी, तभी जाके इस तरह का जो ये जो ग्रे एरिया है ये इसका मतलब है। जो बेसिक लूपहोल्स ही रह गया, एक तो 10th शेड्यूल के हिसाब से पावर स्पीकर के पास चला गया, और जो आर्टिकल 192 है उसके आधार पर गवर्नर के पास चला गया, एंड अमूमन ने देखा गया कि जो गवर्नर है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा सेंटर का,
और सेंटर में जो सरकार पार्टी अलग होगी, स्टेट में अलग होगी, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन पैदा हो जाता है और ये चीज़ें आगे जो है बार बार क्राइसिस में बदल जाती है। मानवेंद्र, आपसे हम जानना चाहते हैं कि लगातार जो है गवर्नर के रोल पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि उन्होंने हमेशा इस रोल ने या गवर्नर ने पक्षपात किया है, तो इस स्थिति में जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में है उसमें एक रोल जो निष्पक्षता क्या एक्सपेक्टेड है गवर्नर का, वो क्या पक्षपात के इल्जाम लगते रहे हैं और कैसे लगते रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए और कैसे उनको निष्पक्ष होना चाहिए। सर, जो गवर्नर का रोल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो बड़ा ही अनबैलेंस्ड रोल है सर। एक्सपेक्टेड है कि बैलेंस होना चाहिए। अब सर इशू ये है कि जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो सिर्फ सेंटर पे नहीं है, स्टेट पे भी। जो स्टेबिलिटी सेंटर पे है वो स्टेट पे भी आनी चाहिए। अब जो सेंटर पे है सर, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है वो पूरी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में है, राइट। लेकिन सर जो गवर्नर काम कर रहा है स्टेट में, सर वो पूरी तरीके से वहां स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में नहीं, राइट। अब सर गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो जो है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंटर के रिकमेंडेशन का मतलब हो गया सीधा। तो एक तरीके से जो गवर्नर है वो अपनी अपनी अपने आप में ही अनबैलेंस हो रखा है। और यहाँ पे गवर्नर इज ऑल्सो गिवेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज अ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का काम होगा वो किसके नाम पर होगा? गवर्नर के नाम पर होगा, राइट। तो इशू यहाँ पे यही क्रिएट हो जाता है कि जब भी सेंटर की जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती है, तो सेंटर जो है वो गवर्नर को एज अ टूल यूज करके जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की वो गिराना चाहते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजें रेफरेंस में ला सकते हैं कि पास्ट में आप बता सकें कि इस प्रकार के पक्षपात का इल्जाम जो गवर्नर पर लगा है वो कुछ इंसिडेंट्स क्या रहे हैं पास्ट में, जरा उसको हाईलाइट कीजिए। सर ये तो 1959 से ही स्टार्ट हो गया था सर, right. 1959 में सर केरला में देखा गया था कि पहली बार कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपनली इलेक्शन जीत करके आई थी, केरला गवर्नमेंट। नामुदी प्रस वहां के चीफ मिनिस्टर थे, ओके, राइट। वहां पे सर गवर्नर का यूज करके वहां पे उनकी सरकार गिराई गई बिकॉज ऑफ सम डिफेक्शंस व्हिच वाज हैपनिंग। उसके बाद सर यही चीज बढ़ी, फिर एसआर बोमई केस बहुत फेमस केस है जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई थी, उसमें भी बोमई को सर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करे। इसमें तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हैं पास्ट, एग्जैक्टली सर। उसके बाद सर 1990s में जो कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, तो जो रोमेश भंडारी वहां के गवर्नर थे उन्होंने कल्याण सिंह को मौका नहीं दिया कि तुम आओ अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, जबकि जो डिफेक्ट करी थी कल्याण सिंह गवर्नमेंट की जो पार्टी से जगदम्बिका पाल जी डिफेक्ट करी थी उनको उठा करके एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना दिया था सर, ओके। और सर ये केस 2005 में तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया था। वो क्या था? सर बूटा सिंह जो है वो बिहार के गवर्नर थे उस समय, और बिहार में क्या हुआ था सर, एक हंग असेंबली निकल करके आई थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन सर एनडीए का ऐसा दावा था कि हम अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर सकते हैं, ओके। अब सर सेंटर पे सरकार थी कांग्रेस की, एनडीए अपनी मेजोरिटी प्रूफ करना चाहते थे, तो बूटा सिंह ने क्या बोला, अपने आप से उन्होंने एक रिपोर्ट लिख दी प्रेसिडेंट को, राइट। और ये रिपोर्ट लिखी कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए आप, ओके। अब सर यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम जी वो उस समय मॉस्को में थे, तो मिडनाइट में सर प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया बूटा सिंह ने, अच्छा। और सर रिसेंट में भी यही हुआ है 2016 में सर उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर अभी रिसेंट राजस्थान में तो हुआ ही सर ये चीज। यहाँ तो गवर्नर ने मौका ही नहीं दिया स्टार्टिंग में जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट है उनको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने का। तो ये इस तरह के इल्जाम मतलब लगातार लगते रहे गवर्नर के ऊपर भी, जिससे कहते हैं पक्षपात का एक सिचुएशन आ गया, राइट। आपको बताता हूँ 120 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट लग चुका है सर 75 years में, 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ऑन एन एवरेज सर अराउंड 2 बार प्रेसिडेंट रूल हर साल लगता है सर। इट हैज बिकम ए वेरी वेरी रेगुलर फीचर, राइट। अब आगे डॉक्टर पवार से हम कुछ सवाल इसी से रिलेटेड पूछते हैं। डॉक्टर पवार, ये तो गवर्नर से रिलेटेड मैटर आ गया, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि स्पीकर के रोल से रिलेटेड जो सवालात खड़ा होते आए हैं वो क्या है, गवर्नर के पक्षपात की बात सोले स्पीकर के मामले में क्या सिचुएशंस रहे? तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए स्पीकर मिश्रा साहब
शत प्रतिशत मामलों में रूलिंग पार्टी से ही होते हैं, उसे स्टेट के रूलिंग पार्टी से, राइट, करेक्ट। तो स्पीकर चूंकि रूलिंग पार्टी से होते हैं तो हम ये समझ सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आर्ग्यूमेंट कि वो एक तरह से रूलिंग पार्टी के ही या गवर्नमेंट के पार्ट, इन ए वे पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। हालांकि उनसे उम्मीद तो की जा रही है रिस्पेक्ट होने की, बट वो पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के क्योंकि वो उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, राइट। एक तरह से इसको अपन इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स है, नंबर वन। नंबर टू, संवैधानिक प्रावधान ये भी है कि यदि विश्वास के मत पे वो वोटिंग हो और अगर गवर्नमेंट गिरने वाली हो तो स्पीकर साहब वोट दे सकते हैं, राइट, और वो वोट दे के उसको बचा सकते हैं। तो अगर स्पीकर का कास्टिंग वोट है तो फिर वो निष्पक्ष कहां रहे, तो अगेन ये फिर थोड़ा ग्रे एरिया आ रहा है, राइट। नंबर वन। इसी तरह से राज्यपाल महोदय का अगर अपन जो कि मानवेंद्र जी ने बताया कि यदि राज्यपाल महोदय की का बैकग्राउंड पॉलिटिकल है और अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड रहे हैं राज्यपाल बनने से पहले, राइट, का शासन केंद्र में है और चांस नहीं राज्य में अगर उस पार्टी का शासन नहीं है, जैसा कि राजस्थान के केस में हुआ, राजस्थान के केस में केंद्र में अपन सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और माननीय राज्यपाल महोदय का जो अलाइनमेंट है वो उत्तर प्रदेश में भाजपा से रहा है, ये एक सर्वविदित बात है। तो ऐसे में फिर गवर्नर की भूमिका बहुत सेंसिटिव हो जाती है और सत्ताधारी दल जो स्टेट में है वो हमेशा ही कहेंगे कि राज्यपाल महोदय ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, राइट। अब राज्यपाल की भूमिका आप लोग देखें वो हेड ऑफ द स्टेट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है और इन ए वे वो केंद्र के प्रतिनिधि भी है, राइट, केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं और वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं। तो इसीलिए अच्छा अगर अपन वापस उस पर चले गवर्नर्स के पावर पे, तो गवर्नर्स के पावर हमारे यहाँ डिफाइंड है आर्टिकल 174, 163, 163(1). काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय से वो पाबंद है, ठीक है सर। अब गवर्नर की भूमिका के बारे में साथ साथ में अगर अपन पैरेलल में स्पीकर की भूमिका देखें तो वो इसलिए कि जो 10th शेड्यूल है उसमें और 192 में जो गवर्नर के पावर उसमें और जो गवर्नर के पावर उसमें लिखा हुआ कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कहेगी कि ये आप सेशन बुलाइए अंडर आर्टिकल 163, तो जो गवर्नर का जो पावर उसमें लिखा गया है कि गवर्नर मे कॉल और मे कन्वीन द असेंबली सेशन एट ए टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, इस फिट वर्ड को कि अभी मेरे हिसाब से फिट नहीं है तो वो नोटिस पीरियड 4 दिन भी हो जाता है और वो 21 दिन भी हो जाता है, जैसे राजस्थान में हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय ने अनुरोध किया तो माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ क्वेरीज के साथ वो फाइल लौटा दी, फिर रिसबमिट की विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो चौथी बार फाइल जब गई तब राज्यपाल महोदय ने 163, 163(1) उसका एक्सरसाइज करते हुए जिस दिन पहली बार जिस दिन वो रेफर हुआ था उससे 21 दिन को उन्होंने कैलकुलेट किया और 21 दिन में उन्होंने यानी 14 अगस्त को से किया। तो ये भूमिकाएं चूंकि लॉ में एम्बिग्यूटी है, ग्रे एरियाज हैं, तो डिस्क्रिशन का रोल जबरदस्त हो जाता है और डिस्क्रिशन में अगर पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन दूसरा है तो ऑब्वियसली पार्टी इन पावर सोचेगी कि चूंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय का निर्णय है, उनका निर्णय कितना ही लीगली साउंड हो उस पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है। मनविंदर, ये 1992 में क्योतो होलन केस हुआ स्पीकर से रिलेटेड, वो मामला क्या था? सर ये जो केस हुआ था एक्चुअली में इसने 10th शेड्यूल को चैलेंज किया था। ओके। जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ की बात जहाँ की जाती है, एक्चुअली सर यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, पहला फैक्टर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स ऑल द लेजिस्लेटर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल करने के लिए पार्टी के डायरेक्शन जरूरी है, राइट। इसीलिए सर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। अब पॉइंट ये है सर कि सेकंड जो रीजन है यहां पे स्पीकर का, स्पीकर के पास कितना पावर है। अब सर स्पीकर जब बना था ये शेड्यूल तो उसमें लिखा था कि स्पीकर इज अनचैलेंज्ड, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैंने जो भी डिसीजन लेगा वो अनचैलेंज्ड होगा, अनचैलेंज्ड है सर, सबसे पावरफुल रोल उसका यहां पर ये है,
राइट right. तो क्या स्पीकर अनचैलेंज्ड हो सकता है? अगर स्पीकर अनचैलेंज्ड है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर या कोर्ट्स की पावर यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था सर. दूसरा क्वेश्चन ये था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, क्या ये लेजिस्लेटर्स के इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट नहीं है? क्योंकि सर वो भी तो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं. अब कहां पे डायरेक्शंस मानना जरूरी है, कहां पे डायरेक्शन मानना जरूरी नहीं है? अगर सर हम बात करें यहां पे लॉजिक की, तो अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ को इतना स्ट्रांग बना देंगे तो जो हेल्दी डिबेट होता है जिसमें लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, राइट, तो आप जो है डायरेक्शंस को बनवाने के चक्कर में एंटी डिफेक्शन लॉ को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि लेजिस्लेचर नीचे आ जाएगी और एग्जीक्यूटिव ऊपर चला जाएगा. इसी चीज को सर चैलेंज किया गया था कि हो तो होलहन केस वर्डिक्ट में, राइट. तो उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ, उसमें क्या अल्टीमेट निष्कर्ष आया था? सर दो कंक्लूजन थे इसमें. पहला कंक्लूजन ये था कि द राइट ऑफ द स्पीकर टू डिसाइड रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन सुप्रीम है, दैट मींस स्पीकर जो है वो अनचैलेंज्ड, जब तक वो डिसीजन नहीं लेता है तब तक. अच्छा ठीक है. जैसे ही वो डिसीजन ले लेता है वैसे ही जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वो वैलिड रहेगा. राइट राइट. दैट मींस जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज लेड इन केशवानंद भारती केस वर्डिक्ट, राइट. उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. तो यहाँ पे जुडिशियल ने अपना काम भी चला लिया और स्पीकर को भी इज्जत दे दी सर. अच्छा. दूसरी चीज ये बोला गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कॉमन आदमी के लिए तो अच्छा लगता है, लेजिस्लेटर्स के लिए अच्छा नहीं लगता है, राइट. तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स का आर्टिकल 19 है वो 10th शेड्यूल के नीचे लाया गया सर. डॉक्टर पवार, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ये जो पक्षपात की समस्याएं रही है उसको रोकने के लिए क्या कोशिश करती रही है, और आगे जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या भूमिका निभा सकती है इस मामले में? इसमें ऐसा मिश्रा साहब की जैसे मानवेंद्र जी ने भी बताया कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ में लूपहोल्स बहुत है, राइट. और उस लूपहोल का ही कारण था, और ये लॉ हमको क्यों लाना पड़ा, हमारी सरकार को क्यों लाना पड़ा कि 1967 से लेकर 71 तक पूरे देश में हमारे लगभग 4000 MLAs MPs हैं पूरे हमारे पूरे भारत में. उसमें से इन चार वर्षों में यानी 1967 से लेकर 71 तक 4000 में से करीब करीब 50% हमने दल बदले थे, यानी कैंसर की तरह ये फैल गया था. 50% लोगों ने दल बदली है, दल बदल सिर्फ चार सालों में, यानी 2000 MLAs और MPs ने अपनी पार्टी चेंज की बिटवीन 1967 एंड 1971. इसलिए ये लॉ लाना पड़ा. अब जो राजस्थान का जो मसला आपने सुना, जो हुआ, जो आपने देखा, इसमें जब राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, हालांकि तब तक स्पीकर महोदय ने नोटिस दिया था, उन्होंने डिसाइड तो किया ही नहीं था. जैसा मानवेंद्र जी ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू तब होगा जब मैं कोई निर्णय तो दूं, चूंकि उस निर्णय की कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 MLA का पार्टी का विलय 1.5 साल पहले हुआ, उसके खिलाफ जब कंडीशन लगाई गई तो वो आज तक पेंडिंग है. अब स्पीकर महोदय चाहे तो उसको 5 साल तक पेंडिंग रखें, ठीक है. तो इसका मतलब ये लूपहोल है कि इसमें टाइम लिमिट स्पीकर महोदय महीना, 2 महीना, 4 महीना, जो भी एक जिसको अपन नेचुरल जस्टिस कहते हैं मिस्टर साहब, उसके हिसाब से टाइम की बात थी. नंबर वन. नंबर टू, ये पहला प्रकरण है हमारे पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि माननीय स्पीकर महोदय को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. ये जो 6 बसपा के कैंडिडेट MLAs थे और वो जो 19 जो CLP यानी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में नहीं आए, जो मिस्टर पायलट के साथ थे, उनको जब नोटिस दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट, तो उस नोटिस के ऑपरेशन को ही हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, राजस्थान हाईकोर्ट ने. तो उस स्टे के खिलाफ ऑनरेबल स्पीकर महोदय सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े. जैसे आपने प्रश्न कहा, जो आपका मूल प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, उसमें मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वापस रिमांड कर दिया और ये कहा कि इस पे पहले हाईकोर्ट अपनी वर्डिक्ट दे, उसके बाद स्पीकर महोदय आप वापस जरूर पड़े तो उच्चतम न्यायालय आइएगा. मतलब पहले हाईकोर्ट के थ्रू आइए, कहने का मतलब ये
ये एक जुडिशियल हिस्ट्री या एक लेजिस्लेटिव हिस्ट्री बनी कि पहली बार हमारे भारत के इतिहास में एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में, या जहां तक मेरी जानकारी और किसी के मामले में, आज तक किसी भी माननीय अध्यक्ष महोदय को यानी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ा था। ये पहला एक ये लीगल केस बनेगा, ये केस हिस्ट्री बनेगी कि ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान हाईकोर्ट का जो इंटरवेंशन हुआ उसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील सुनी और ये कहा कि आप हमारे पास तब आइएगा जब इस पर हाईकोर्ट को वर्डिक्ट दे दे, नंबर वन। नंबर टू, अब जबकि राजस्थान के इस पॉलिटिकल घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है, राइट, एक स्टेटमेंट माननीय स्पीकर महोदय का आया कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ में शेड्यूल 10 में स्पीकर की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां स्पीकर में निहित हैं और उसमें उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि वो इसमें इंटरवेंशन ना करें, क्योंकि ये हमारे जब तक स्पीकर तय ना कर दें तब तक वो जुडिशियल रिव्यू कब करेंगे, जब डिसीजन होता है रिव्यू करेंगे ना, राइट राइट, तो डिसीजन तो हमने किया ही नहीं। तो ये एक स्टेटमेंट मीडिया में आया है जिसमें स्पीकर महोदय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से भी आग्रह किया है कि साहब शेड्यूल 10 बहुत क्लियर है, ये स्पीकर की पावर्स हैं और जब तक मैं निर्णय नहीं दे दूं कृपया इसमें आप इंटरवेंशन ना करें, और इसीलिए माननीय स्पीकर महोदय को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। और अगेन सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसमें बहुत निर्णायक रहेगी और एज इंटरप्रिटेशन अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप उनको आर्टिकल 192 शेड्यूल 10 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हो तो होलोहन केस का बैकग्राउंड right. और एक एमएलए एमपी की कॉन्शियस कुछ कह रही है, पार्टी भी कुछ कह रहा है, तो जैसा कि उसमें भी प्रावधान था कि वो जो विप है जब तक कि गवर्नमेंट के वजूद को चैलेंज ना करे विप मानने के लिए बात नहीं हो, एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि विप तभी यूज करें जबकि गवर्नमेंट गिरने की आशंका हो, अन्यथा अगर कोई भी एमपी एमएलए अगर पार्टी लाइन या अपनी अपनी हिसाब से कोई अपना व्यू रखना चाहता है तो पार्टी उसको विप के माध्यम से क्यों उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक तरह से लिमिट कर रही है, right. जो अगेंस्ट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ हो गई कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि कोई किसी बहुत निर्णायक भूमिका रहेगी मिस्टर सर, जुडिशरी को कोई गाइडलाइंस आगे के लिए सेट करने की स्थिति आए तो आपके हिसाब से किन विधियों पे ध्यान देना चाहिए ताकि कुछ ऐसे चीजें बनकर आए जो फ्यूचर में इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस बच सकते हैं। डेमोक्रेटिक प्योरिफिकेशन की बात करें यानी प्रजातांत्रिक शुद्धिकरण होना चाहिए ताकि ये जो आयराम गैराम के फेनोमेना हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो माननीय उच्चतम न्यायालय इसके संज्ञान लेने के बाद तीन बात तय कर दे। एक तो इसकी लिमिटेशन तय हो जाए, जब कभी भी कोई इस तरह का एप्लीकेशन आए तो ऑनरेबल स्पीकर 1 month, 2 month, 3 month जो भी रीजनेबल एज ए नेशनल जस्टिस का जो है उसके हिसाब से माननीय उच्चतम न्यायालय तय कर दे इसकी समय सीमा निर्धारण करते हैं, डिस्पोजल ऑफ पिटिशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ नंबर वन। नंबर टू, इसमें भी उनको कॉल लेना होगा कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है पावर में, आर्टिकल 192 में गवर्नर को पावर है और शेड्यूल 10th में स्पीकर को पावर है, ठीक है, इसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ये कह सकते हैं कि चूंकि ये डिसकॉर्डिनेशन का मामला शेड्यूल 10 में आ गया है तो इसमें स्पीकर का निर्णय फाइनल होगा, इसमें जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है बट गवर्नर इंटरवेंशन नहीं हो सकता, नंबर टू। नंबर थ्री, जो बड़ा प्रश्न है जिसपे डिबेट होनी चाहिए कि ये 2/3 ऑफ द पार्टी के एमएलए अगर किसी जगह दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो डिफेक्शन माने नहीं जाएगा, उसपे मेरी निजी राय ये है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि साहब डिफेक्शन तो डिफेक्शन है और वो एक करे या 10 करें तो यानी किसी ने अगर ग्रुप में कर लिया तो फिर वो डिफेक्शन नहीं रहा। अगर मैं वोटर हूं, मैंने रामलाल जी को वोट दिया पार्टी ए के लिए और रामलाल जी ने अपने ग्रुप के पार्टी में लेके 2/3 लेके वो पार्टी बी में चले गए तो मेरे साथ तो विश्वासघात हुआ ना, मैंने एक आइडियोलॉजी को वोट दिया था और रामलाल जी वहां जाके श्यामलाल हो गए, तो ये एक जो सिटीजन के नाते आई फेल्ट चीटेड कि मैंने जिस एमएलए को वोट दिया या एमपी को वोट दिया था विचारधारा ए के लिए और वो 15-20 इकट्ठे होकर 2/3 वाली गली निकाल के और दूसरी जगह चले गए, आई फील चीटेड। इसमें भी एक कॉल माननीय उच्चतम न्यायालय को लेना होगा कि ये 2/3, 1/3 देन वाई 2/3, वाई नॉट 1/3, वाई नॉट 3/4, इसका क्या जुरिस्डिक्शन है? लॉजिकली जो आगे देखते पास्ट में उस एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक तरह से री इंटरप्रेट करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि डिफेक्शन तो डिफेक्शन है ना, अब वो एक करे या 10 करे, 10 करने से डिफेक्शन, आप कहते नहीं साहब ये नीतिगत मामले है, पार्टी तो वही है ना,
पार्टी तो वही है ना, मान लीजिए भी पायलट साहब 40 को लेकर चले गए होते तो डिफेक्शन नहीं कहलाता, जबकि वो 40 एमएलए अगर पायलट साहब उनके साथ चले जाते तो एज ए वोटर आई फील चीटेड कि मैंने तो इनको वोट दिया था पायलट यानी कांग्रेस के लिए था, वो तो किसी और पार्टी में चले गए। तो ये एक एथिकल और मॉरल क्वेश्चन भी इसमें आता। हाँ, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास मामला वैसे भी पेंडिंग है, तो आर्टिकल 192 शेड्यूल 10 पावर्स ऑफ स्पीकर पावर्स ऑफ गवर्नर एंड टाइम लिमिटेशन, इन सब इश्यूज पे अगर एक फाइनल कॉल ले लिया जाए प्लस द नंबर, ये 2/3 वाली जो गली रखी हुई है तो इसका मतलब कभी भी इकट्ठे होके और वो सारे मतलब ये जो है इस प्रावधान की गली निकाल के और एक तरह से अपने वोटर के साथ तो मैं कहूंगा कि विश्वासघात कह लीजिए या एक वोटर विल फील चीटेड कि मैंने तो पार्टी ए के लिए वोट दिया था उस और वो पार्टी बी में चले गए, तो देन दे शुड सीक री इलेक्शन। हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ में ये प्रावधान है कि अगर कोई परिवर्तन कर लेता है 2/3 भी तो 6 महीने तक वो मंत्री नहीं बन सकते। तो फिर 6 महीने के बाद क्यों बन सकते हैं, क्या 6 महीने के बाद फिर वो दल बदल नहीं रहा? तो इस तरह की ये जो गलियां हैं इन गलियों को या इस तरह के प्रावधानों को थोड़ा फर्म कंफर्म करने की जरूरत है ताकि लॉ की जो स्पिरिट थी जो बेसिक स्पिरिट है लॉ का वो डिस्टर्ब ना हो और जो डेमोक्रेसी के अंदर में जो सिटीजंस की अपनी एस्पिरेशंस हैं और जो सिचुएशंस हैं वो उस पर कोई दाग ना लगे। बहुत अच्छी बात, क्योंकि स्पिरिट तो है दल बदल को रोका जाए और इंटरप्रिटेशन और प्रैक्टिस हो गई कि दल बदल को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। राइट राइट, तो ये नहीं होनी चाहिए। राइट, ये कॉन्ट्रडिक्शन। इन सारे परिस्थितियों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है डॉक्टर पवार, आपसे हम थोड़ी सी ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि ओवरऑल ये सारे जो डिस्कशन किया उसमें राजस्थान में हुआ क्या और अल्टीमेटली उसका भी कंक्लूजन क्या निकला। विशाल साहब, जैसा कि आपने सबने देखा कि राजस्थान में सचिन पायलट साहब 19 एमएलए को लेके उन्होंने कहा और जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पीकर महोदय ने नोटिस दिया उन 19 एमएलए को कि क्यों नहीं आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए और पार्टी विफ जारी किया गया। उसमें 3 प्रश्न आए थे, पार्टी विफ क्या उस वक्त भी जारी किया जा सकता है जब लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग विधानसभा में नहीं कॉल करके और मुख्यमंत्री महोदय के घर पर आयोजित की गई थी, एक टेक्निकल पॉइंट ये भी आया था। दूसरा ये कि जब तक स्पीकर महोदय निर्णय नहीं ले रहे डिस्क्वालिफिकेशन का तब तक क्या उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता या नहीं हो सकता है। तो लबो लबाव हमारे डिस्कशन का और इस पूरे लॉ का और अब तक जो इस लॉ को प्रैक्टिस किया गया है वो ये है, एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे कि लॉ का शब्द कह रहा है एंटी डिफेक्शन यानी कैसे डिफेक्शन को रोका जाए। प्रैक्टिस में हम ये देख रहे हैं पिछले 10-15 वर्षों में जब से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एक तरह से बड़ा कि हाउ टू फैसिलिटेट डिफेक्शन, ये फैसिलिटेटिंग हो गया ज्यादा। 2/3 का जो प्रोविजन रखा गया है क्या है, 2/3 का प्रोविजन फैसिलिटेट कर रहा है कि भाई अगर आप 2/3 ले आते हो तो वो डिफेक्शन नहीं है। अब इस पे प्रश्न मॉरल प्रश्न आता है क्यों नहीं है, इलेक्टोरेट ने आपको वोट एक पार्टी ए के लिए दिया है और आप 2/3 मिलकर चले गए तो उससे क्या इलेक्टेड थोड़ा चीटेड फील करते हैं, तो ये ग्रे एरिया है। इसी तरह से गवर्नर के पावर में और स्पीकर के पावर्स में ड्यूअलिटी है कि कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमएलए को, तो उसमें गवर्नर को भी कॉन्करेंट पावर्स है। इसी तरह से सेशन बुलाने के लिए गवर्नर साहब के पास डिस्क्रिप्शन है एज ही थिंक्स फिट, वो थिंक्स फिट का जो कैलकुलेशन टाइम एंड प्लेस का है उस पर विवाद होते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 एरियाज हैं तो राजस्थान की इस घटनाक्रम से ये इश्यूज अब क्रॉप अप हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान का मसला तो सुलझ गया बट ये जो लीगल इश्यूज आए हैं फ्यूचर में इसको रिव्यू करना चाहिए और इसके पीछे अकॉर्डिंगली इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में ना हो इस पर कोशिश। माननीय उच्चतम न्यायालय को अगर जो भी इस पे रूलिंग आएगी तो सब पे बाइंडिंग होगी, वो लॉ ऑफ द लैंड होगा और ये हाई टाइम है कि इन 5-6 इशू को माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी फाइनल वर्डिंग दे। मनवेंद्र, आपसे अब आपकी राय जानना चाहेंगे, आपके इस बारे में कंक्लूसिव ब्रीफ संक्षेप में बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे। सर मेरा तो यही मानना है, मैं एग्री करता हूँ सर के साथ में। मैं एक बात बस बोलना चाहता हूँ इसमें, जो 2/3 की गली बनाई गई है अगर इस गली से हम नहीं भी पास करते हैं तो कर्नाटका में एक स्पेशल केस देखा गया कि जो मेंबर्स जो थे वो पार्टी को जब डिफेक्ट किए जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई किए गए तुरंत बाय इलेक्शन हुआ वो फिर री इलेक्ट होकर के आ गए। तो सर ये भी ये गली कुछ ज्यादा ही बन गई है सर। दैट मीन्स अनटिल और अनलेस द सेशन ऑफ द असेंबली इज नॉट ओवर दीज लेजिस्लेटर्स शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन लड़ पाए। पहली बात तो यहाँ पे ये है। सेकेंड बात ये है सर कि बोला जाता है ना कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
तो जब आप, और ये भी बोला जाता है कि वेयर लॉ फेल्स कंसाइंस वर्क, तो अगर लॉ फेल कर रहा है कंसाइंस वर्क कर रहा है, और हमको ये बात पता है कि सर पहले जो लेजिस्लेटर्स थे वो इसको एज अ ड्यूटी लेते थे पब्लिक के ओपिनियन को रिप्रेजेंट करना, उनके फेथ को रिप्रेजेंट करना, अब सर ये प्रोफेशन हो गया है सर, और सर इस प्रोफेशन में जॉब देने वाली 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अच्छा पैकेज देती हैं, ये उधर चले जाते हैं सर। सो सर जो ये जो लेजिस्लेटर्स हैं सर, मेरे हिसाब से सर इनकी एक मॉरल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स बन रहे हैं आकर के, आपके पास एक ड्यूटी है, और वो ड्यूटी आपके पर्सनल इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। right. और जितने भी लूप होल्स हैं सर, उन लूप होल्स को प्रॉपरली भरा जाए, क्योंकि सबको पता है लूप होल्स क्या है। इवन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रॉपर डायरेक्शंस ला सकती है, ये आधे अधूरे डायरेक्शन सर केस बाय केस नहीं लाने चाहिए। अगर SR बोमई केस वर्डिक्ट आई थी और डायरेक्शन आए थे, तो अगर किसी भी तरीके से लेजिस्लेटर्स उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके उनको अकाउंटेबल करना ही चाहिए जी सर। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यही होगा कर कि ये जो पावर की जो राजनीति है जिसमें मनी और मसल पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है, ये पब्लिक के फेथ को सर पूरा इरोड कर देगी, क्योंकि सर स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं पे भी स्टेबल नहीं है, और हम ये देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है सर वो मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। अगर सर वो स्टेबल नहीं होंगी तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगी, तो सर ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा एंड वी विल मूव टूवर्ड्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो लिखा रहेगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्लस फेडरलिज्म, बट सर ये कहीं ना कहीं एक तरीके का सेंट्रलाइजेशन विद सेंट्रल टिल्टिंग टेंडेंसी हो जाएगा। और इसका सबसे मेजर इफेक्ट है कि बार बार इलेक्शन का सिचुएशन आना और एक कंफ्लिक्ट ऑफ जो हमेशा आइडियोलॉजी का होना, जिसके कारण से अल्टीमेट सफरर है वो जनता होती है। डेवलपमेंट के पैसे जो डेवलपमेंट में जाने चाहिए वो फिर इलेक्शन के एक्सपेंडिचर में डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से ओवर हमारा एक डेवलपमेंट का जो सीनेरियो है वो हैम्पर्ड होता है। आप दोनों को इस प्रोग्राम में भाग लेने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे ओपिनियन रखे। मुझे उम्मीद है कि हमारे आपके डिस्कशन से इस मैटर पर काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी आएगी, जो हमें वॉच कर रहे हैं उनको एक थॉट डेवलप होगा, उसके बारे में भी पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर परवार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। मानवेंद्र, आपसे स्पेशली मैं जानना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने अभी तक डिस्कस किया है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर में, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पास्ट में आए हैं और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले बताइए कि पास्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे। सर इसमें जो वर्डिक्ट है SR बोमई केस वर्डिक्ट या किहोतो होलोहन केस वर्डिक्ट, यस सर, इनके नाम पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जो इनके जजमेंट्स होते हैं उन जजमेंट्स के आगे क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकली डिस्कस करके क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुके हैं। ओके, राइट। जैसे 2013 में क्वेश्चन आया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पे क्वेश्चंस मेंस में जो होता है, एक्चुअली सर इस क्वेश्चन में कुछ पिलर्स हैं। पहला पिलर है गवर्नर, दूसरा पिलर है प्रेसिडेंट, तीसरा पिलर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है, राइट, ठीक है, और एक सर आता है स्पीकर का रोल। तो किसी भी तरीके से अगर स्पीकर गवर्नर या किसी के भी ओपिनियन पे कोई बायस क्वेश्चन बनता है कि कहीं तरीके से पार्टीशन रोल की बात करी जाए या पूछा जाए कि कैसे इसमें इश्यूज हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे एक पॉइंट तो सर वहां पे बनता ही बनता है। बेसिकली जो दोनों को ध्यान रखते हुए जो आर्टिकल है 192 प्लस जो शेड्यूल की बात है 10 शेड्यूल के अंदर में, ये कहीं भी ये क्वेश्चन का सिलसिला बन सकता है। According to role of speaker, right? Entity defection, role of governor in this situation, role of judiciary, इस तरह के questions भी बन सकते हैं, right? और क्या लगता है आपको इसको इसमें? सर देखिए प्री और मेंस में सर ये एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस ये होता है कि प्री जो होता है सर वो सिर्फ ये पूछता है क्या सही है, राइट, लेकिन मेंस पूछता है आपसे कि आपको क्या लगता है सही है गलत है। ओपिनियन ऑफ ए कैंडिडेट, ओपिनियन किसी तरीके का ओपिनियन होता है वहां पे, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग वर्क करती है मेंस में सर। यही पर्पस भी हमारा इस प्रोग्राम का, ताकि कैंडिडेट अपना ओपिनियन डेवलप कर सके और सारे लूप फॉल्स प्रोविजन देख करके अपने आंसर को तैयार कर सके, इसीलिए डिस्कशन हमने स्टार्ट भी किया है। सर किसी भी मतलब यूपीएससी के एग्जाम का जो 3 लेवल है, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, सो पहले जब लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू की सर ओपिनियन की जरूरत इंटरव्यू में पड़ती है, तो लोग ओपिनियन के लिए इंटरव्यू तक वेट करते हैं,
फिर जैसे ही मेंस क्वालिफाई करते हैं फिर वो मॉक इंटरव्यूज के लिए भागने लगते हैं। राइट, पहले ओपिनियन डेवलप करना सही है ताकि सर हमको ये पता चले कि किसी न्यूज में हमको पढ़ना क्या है। बेसिकली राइट फ्रॉम डे वन कैंडिडेट जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो एक तरह से एवोल्यूशन है उसके व्यक्तित्व का, थिंकिंग का, जो एज ए सिविल सर्वेंट उनको सीखना चाहिए, तो जो प्री और मेंस इंटरव्यू में लगातार बनता चला जाए। एग्जैक्टली सर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है यदि आपको डिस्कस कर सके स्ट्रक्चर के तौर पे कैसे जवाब देना चाहिए एंटी डिफेक्शन का, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से मनी और मसल पावर का जो लिंक है एंटी डिफेक्शन लॉ से। राइट, और एंटी डिफेक्शन लॉ में एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या होने चाहिए उस पर क्वेश्चन बन सकता है। राइट, सो सर एक क्वेश्चन है जैसे कि राइजिंग डिफेक्शंस नॉट ओनली रिप्रेजेंट राइजिंग मनी एंड मसल पावर बट ऑल्सो अ स्ट्रैंगुलेशन ऑफ पीपल फेथ इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पे यह है कि जो डिफेक्शंस बढ़ते हैं वो सिर्फ मनी एंड मसल पावर की वजह से नहीं है, एक तरीके का जो पब्लिक का फेथ है वो भी इफेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। तो इसके लिए क्रिटिकली एनालाइज द नीड ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। राइट, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को सर इन डेप्थ हमको एनालाइज करना है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो बन सकता है यूपीएससी में। तो इसमें थोड़ा विषय हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं इसमें, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ स्ट्रक्चर जो अच्छा आंसर लिखने के लिए हेल्प कर सकता है स्टूडेंट के, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यूपीएससी के जो आंसर्स होते हैं उनकी लेंथ कहीं 200 से 250 वर्ड के बीच में होती है। सो सर अगर मैं एवरेज में 200 वर्ड लेकर चलूं, सो कई बार ये होता है कि सर यूपीएससी के जो क्वेश्चंस के कीवर्ड होते हैं लोग ध्यान से नहीं पढ़ पाते। राइट, अब सर पहला तो हमारा काम यह है कि क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे इस क्वेश्चन के जो कीवर्ड है वो राइजिंग डिफेक्शन है, सेकेंड कीवर्ड है मनी एंड मसल पावर, थर्ड कीवर्ड है फेथ ऑफ पीपल, फोर्थ कीवर्ड है क्रिटिकली एनालाइज। राइट, ये तीन मेजर पॉइंट्स हो गए। राइट, यस सर। अब जब भी हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। राइट, इंट्रोडक्शन जो होता है बेसिकली होता यह है कि जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कंटेंट पे वर्क करते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो अच्छे से लिख भी नहीं पाते और कोशिश भी नहीं करते। राइट, जैसे सर इंट्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ 15% ऑफ द आंसर होता है। जैसे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 15% इंट्रोडक्शन होता है, 15% कंक्लूजन होता है और 70% जो है सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो मेन बॉडी होता है। लेकिन सर ये इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस इंट्रोडक्शन में स्पेशली इस क्वेश्चन में किस चीज पर फोकस करना चाहिए और कंक्लूजन में, ये थोड़ा तीनों स्टेजेस को आप समझा दीजिए। सर इंट्रोडक्शन में जो है जो कीवर्ड है इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो ये है मनी एंड मसल पावर, डिफेक्शंस और पब्लिक फेथ। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमको सॉल्यूशन नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन में हमको इंट्रोड्यूस करना है दूसरे तरीके से। राइट, एक्चुअली जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है वो आंसर ही होता है, बस एक वर्ड में लिखा होता है। एस्पिरेंट में ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि उस एक लाइन को वो 15-20 पैराग्राफ में 15-20 लाइंस में कन्वर्ट करे। बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिक स्पिरिट को पकड़कर और ये तीनों चीज को वीव कर दिया जाए तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यस सर, जैसे मॉडल कंक्लूजन की बात करें हम, तो अगर मैं बात करूं तो पब्लिक फेथ को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से लिंक करके, डिफेक्शन से लिंक करके इंट्रोडक्शन बन सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स मेड लेजिस्लेचर्स एज द रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ द पीपल, फेथ एंड कॉन्फिडेंस। हाउएवर राइजिंग पर्सनल एम्बिशंस ऑफ द लेजिस्लेटर्स seems to be derailing the purpose. Right. So, ये इसने क्या किया, क्वेश्चन को ही एक क्वेश्चन की जो पूरी अवधारणा है, जो फिलोसफी है, उसको ओपन कर दिया। Exactly, 30 वर्ड्स में सर एक्सप्लेन कर दिया। सर कोई भी आंसर बेस्ट आंसर नहीं होता यूपीएससी में, सबके आंसर की वैल्यू बसरते कि रेलिवेंट लगे, रेलिवेंट होना चाहिए सर। और हर कई बार लोग क्या करते हैं, यस सर, कई बार लोग क्या करते हैं एक ही पहलू में ज्यादा चले जाते हैं और दूसरे पहलू को मिस कर देते हैं। उसके बाद मेन बॉडी में वही जो बातें सारी चीजें हमने डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखते हुए यदि रेफरेंसेस में लाए जाए तो वो मेन बॉडी उसका बन जाएगा। Exactly, कंक्लूजन में भी वही होगा जो हमने डिस्कस किया आप दोनों के हेल्प से कि किस तरह की चीजें और क्या सुधार लाने चाहिए। जो स्टार्टिंग में हमने कहा जो बेसिक स्पिरिट था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का वो कैसे सेफ गार्ड उसका किया जाए, वो कंक्लूजन में यदि आ जाए आंसर जो अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप में सर कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी में दो चीज ध्यान रखनी है, ये पहले प्रूफ करना है किस तरीके से मनी और मसल पावर लेजिस्लेटर्स को अफेक्ट कर रहा है।
जैसे कि आजकल देखा जाता है जो लेजिस्लेटर्स होते हैं सर उनकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इलेक्शन से पैसा खर्च करने के लिए चाहिए, और जो पर्सनल एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं रीजन है मनी और मसल पावर का। तो एक पॉइंट में इसको मेन बॉडी में लेना है, सेकंड पॉइंट में लेना है कि जो रिफॉर्म्स है जो पूछी गई क्वेश्चन में कि क्या रिफॉर्म हो सकती है, जैसे चेयरपर्सन जो है स्पीकर जो है उसके टाइम लिमिट को, कब वो क्वेश्चन को डिसाइड करेगा उसके टाइम लिमिट को प्रॉपर करना चाहिए, गवर्नर के रोल को स्पेसिफाई करना चाहिए, लेजिस्लेटर्स को रोकना चाहिए। तो शॉर्ट में सर इन दो पॉइंट्स को हमको मेन बॉडी मेंशन करना है, और कंक्लूजन में सर वही है कि हमको एक सजेशन लेना है फ्यूचरिस्टिक, लाइक इट इज द हाई टाइम टू रेक्टिफाई द लूप होल्स इन द एंटी डिफेक्शन लॉ टू रीइंस्टेट द फेथ ऑफ पीपल इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ऐसे कंक्लूड करते हुए सर निकल जाना है, वही जो हमने लास्ट में कंक्लूजन में आपस में डिस्कस किया ये काम। राइट, थैंक यू वेरी मच मनवेंद्र फॉर हाईलाइटिंग दिस ऑल थिंग्स। मुझे उम्मीद है कि इस एक क्वेश्चन के डिस्कशन के आधार पर स्टूडेंट को अगले को आगे बाकी क्वेश्चन को भी डील करने मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम का जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया मेन उद्देश्य है कि जो सिविल सर्विस से रिलेटेड आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अखबार में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम आपको उस मामले में सहायक होगा। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम।